नमस्कार, डिजिट में आपका स्वागत है और ये है कैनवस स्पार्क 3 स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग वीडियो। अब स्मार्टफोन के डब्बे पे तो प्राइस 6000 रुपये लिखा है, लेकिन ये फ़ोन आपको मार्केट में 5000 रुपये का मिल सकता है। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें एक 1.3 GHz क्वाडकोर प्रोसेसर है, HD IPS 5.5 इंच डिस्प्ले है, ये 720p डिस्प्ले है, फुल HD नहीं है, 8GB बिल्ट इन स्टोरेज है, 1GB रैम है, 8 MP की रेयर फेसिंग कैमरा है, 5 MP की फ्रंट फेसिंग कैमरा है। ये फ़ोन एंड्रॉयड लॉलीपॉप पे चलता है और इसमें एक 2500 mAh बैटरी है। तो आइए देखते हैं ये फ़ोन कैसा लगता है। फ़ोन को हम पहले एक बार खोल चुके हैं, तो फ़ोन का ये पहला अनबॉक्सिंग नहीं है, लेकिन हाँ फ़ोन के डब्बे में आपको क्या क्या मिलता है ये हम आपको दिखाएंगे। तो फ़ोन का बिल्ड फेयरली स्टैंडर्ड है, बजट फ़ोन को अगर हम कंपेयर करेंगे इस फ़ोन के साथ। कैंडी बार फॉर्म फैक्टर है, फ़ोन को ऑन कर दिया है आपके लिए। अब चलिए देखते हैं कि डब्बे में और क्या मिलता है। पहले आपको मिलता है ईयरफोन्स, इन ईयर ईयरफोन्स है ये, और इसका वॉल सॉकेट और एक माइक्रो USB केबल जो कि आप चार्ज करने के लिए और डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और कुछ वारंटी कार्ड्स और रीडिंग मटेरियल जो मुझे नहीं लगता है कि कोई पढ़ता है। और इसके साथ आपको मिलता है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर। अब हमने देखा है दूसरे स्मार्टफोन्स में स्मार्टफोन मेकर्स अपने फ़ोन के साथ एक फ़्लिप केस भी देते हैं, एक प्रोटेक्टिव केस भी देते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको इस फ़ोन पर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना है तो वो आपको डब्बे में ही मिलेगा। फ़ोन का प्राइस हम दोबारा बताना चाहते हैं आपको, ये मार्केट में 5000 रुपये तक मिल सकता है और हम इस फ़ोन को बहुत जल्द आपके लिए रिव्यू करेंगे। इसके UI को देखोगे तो इसका UI स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है, थोड़ा सा कस्टमाइज्ड है। इस पर माइक्रोमैक्स ने अपना खुद का एक स्किन लगाया है और इस पर इसकी डिटेल्स की बात हम करेंगे हमारे रिव्यू में। तो ये रहा हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो माइक्रोमैक्स कैनवस स्पार्क 3 का। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हो, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए डिजिट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और digit.in पर जारी रहिए लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ और रिव्यूज़ के लिए।